नमस्कार दोस्तों दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पुंडी टैक में। दोस्तों मैं अपने चैनल पर PSL रिफंड से जुड़ी हुई खबरें अपलोड करता रहता हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी निवेशकों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी वाली खबर लेकर के आया हूँ। दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होने वाली है, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों इस खबर को बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सभी निवेशकों को बहुत ही बड़ी खुशखबरी देने वाला हूँ। दोस्तों खुशखबरी है कि सेबी ने एक नोटिस जारी किया है। दोस्तों उस नोटिस में क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जो सेबी ने नोटिस जारी किया है उस नोटिस में सेबी ने बताया है कि अभी तक जो 5000 रुपये दिए जा रहे हैं सेबी की तरफ से वो कितने निवेशकों को मिला है। और दोस्तों एक बहुत सारे निवेशकों की परेशानी थी कि उन्होंने अपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी थी और वो लगातार कमेंट कर रहे थे कि इसमें एडिट का ऑप्शन कब आएगा। दोस्तों उन सभी निवेशकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है सेबी की तरफ से कि वो दोस्तों सेबी सभी निवेशकों के लिए एडिट वाला ऑप्शन चालू करने वाला है। इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो में बन रही है मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो किस डेट से चालू होगा और कितने निवेशकों को अब तक सेबी ने 5000 रुपये दिए हैं। दोस्तों बहुत सारे निवेशक हैं जो परेशान हो रहे हैं कि उनके फॉर्म में कुछ गलती हो गई है और वो उसे ठीक करना चाहते हैं लेकिन इसमें कहीं भी एडिट का कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन दोस्तों सेबी की तरफ से इसमें एक एडिट का ऑप्शन अब चालू होने वाला है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक सेबी ने जो 5000 रुपये निवेशकों को दिए हैं उनके वो दिए हैं अब तक 381,603। इसमें दोस्तों जिन निवेशकों को पैसा नहीं मिल पाया है दोस्तों उसके संबंध में सेबी ने इससे पहले 3 दिसंबर को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की थी और उसमें बताया था कि जिन फॉर्मों में कुछ कमियां हैं उन फॉर्मों को रिजेक्ट कर दिया गया है और उन्हें पैसा नहीं दिया गया है। अब दोस्तों जो सबसे बड़ी खुशखबरी वाली खबर है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों जिस वेबसाइट पर आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया था उसी वेबसाइट पर आप 24 जनवरी से और 31 जुलाई 2020 तक अपने फॉर्म सही कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके फॉर्म में कहीं कोई कमी है कहीं कोई उसमें कमी छूट गई है तो आप उसे 24 जनवरी से ये पोर्टल चालू होने वाला है और दोस्तों ये चलेगा 31 जुलाई 2020 तक। इसलिए दोस्तों आपके फॉर्म में जो भी कमी रह गई है आप उसे पूरा कर सकते हैं और उसे सही कर सकते हैं जिससे कि आपका पैसा जल्दी से जल्दी मिल सके। दोस्तों जो 3 दिसंबर को एक सेबी की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि बहुत सारे कारण हैं जिन कारणों की वजह से जो निवेशक पैसा नहीं ले पाए हैं उनके फॉर्म में जो कमी है उसके बारे में बताया गया था। दोस्तों उसमें कई सारे जो बड़े पॉइंट है वो आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों जो सबसे बड़ा पॉइंट था कि दोस्तों आपका जो बॉन्ड होता है और आपका जो अकाउंट होता है आपके उसमें जो नाम होता है वो सेम नहीं है तो आपको पैसा नहीं दिया है सेबी ने। इसलिए दोस्तों आपके बॉन्ड पे जो नाम है वही नाम आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। अगर दोस्तों आपके वहाँ पर नाम अलग अलग है तो आपको पैसा सेबी ने नहीं जारी किया है। दोस्तों जो दूसरा कारण है सबसे बड़ा, दोस्तों जिस समय सभी निवेशक ऑनलाइन करा रहे थे उस समय दोस्तों जो डॉक्यूमेंट स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे थे दोस्तों उन कुछ डॉक्यूमेंट्स क्लियर ना होने के कारण भी उनका पैसा रोक दिया गया है क्योंकि दोस्तों डॉक्यूमेंट क्लियर ना होने की वजह से सेबी के जो अधिकारी हैं उन डॉक्यूमेंट को पढ़ नहीं पाए हैं इसलिए दोस्तों उन्होंने उन्हें रिजेक्ट कर दिया है और उनका पैसा रोक दिया है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें बहुत सारे कारण दिए हैं। आप 3 दिसंबर की जो प्रेस विज्ञप्ति है सेबी की वेबसाइट पर आप जाकर के वहाँ पर चेक कर सकते हैं, उन्होंने इसमें बहुत सारे कारण बताए हैं। और दोस्तों जो भी उन्होंने कारण बताए आप उन्हें अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। उसके बाद दोस्तों 24 जनवरी से जैसे ही पोर्टल दोबारा चालू होगा तो आप अपने फॉर्म को उसी हिसाब से सही कर सकते हैं जिससे कि आपको दोबारा परेशानी ना हो और आपका पैसा जल्दी से जल्दी मिल जाए। दोस्तों अगर आज आपको ये वीडियो अच्छी लगी और वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी निवेशकों के पास ये जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो घंटी का आइकन है दोस्तों उसे भी दबाना ना भूले ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों।